दोस्तों जब भारत ने उड़ीसा के बालासोर में नोटाम जारी किया तो पूरी दुनिया के साथ चाइना और पाकिस्तान की निगाह इस पर टिकी थी, क्योंकि सभी जानते थे कि भारत एक बार फिर से किसी घातक हथियार का परीक्षण करने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल भारत ने कल अपनी परमाणु सबमरीन से K-15 ISL BA मिसाइल का परीक्षण किया, जो करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। लेकिन किसी भी ऑफिशियल तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि भारत ने K-15 ISL BA मिसाइल का परीक्षण किया है। दरअसल कहा जाता है कि यदि कोई भी देश घातक हथियार का परीक्षण करता है तो उसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं की जाती, और K-15 सीरीज की मिसाइलों को काफी खुफिया रखा जाता है क्योंकि मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है और इसी के साथ ये परमाणु पनडुब्बी से हमला करती है। यानी यदि युद्ध के मैदान में भारत की वायुसेना और थल सेना बर्बाद भी हो जाती है तो भारत अपनी पनडुब्बी द्वारा दुश्मन पर परमाणु हमला करके मिनटों में खेल चेंज कर सकता है। इसलिए भारत की इस मिसाइल को गेम चेंजर कहा जा रहा है। दरअसल भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास जल, थल और नभ तीनों जगह से दुश्मन पर परमाणु हमले की क्षमता मौजूद हो। भारत की सबमरीन दुश्मन के काल यानी K-15 ISL BA मिसाइल को लेकर समुन्द्र के किस तट में छिपी है इसका अंदाजा दुश्मन को भी नहीं चलेगा और ये दुश्मन पर काफी सटीक वार करके उसे तहस नहस कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे रक्षा अनुसंधान यानी DRDO का दावा है कि उसने नागडू मिसाइल का निर्माण कर लिया है, जिसे दुश्मन के टैंकों का काल कहा जाता है। दरअसल भारत बहुत ही जल्द इस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मेन बैटल टैंकों में इस मिसाइलों को भी लगाया जाएगा, यानी हर एक टैंक में इस मिसाइल को फिट किया जाएगा, जिससे किसी सामने आने वाले किसी भी टैंक को यह मिसाइल पल भर में तबाह कर देगी। दरअसल यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट पॉलिसी पर काम करती है, यानी एक बार इसे किसी टैंक पर दाग दिया गया तो समझ लिया उसका तबाह होना लगभग तय है। भारत इसका परीक्षण करीब 2024 तक करेगा और बहुत ही जल्द अपनी सेना में शामिल करेगा। इस मिसाइल के खतरनाक होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि इसे फायर करने के बाद यदि टारगेट अपना जगह बदलता है तो मिसाइल भी अपना दिशा बदल लेती है, और ये मिसाइल काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है जिससे कि दुश्मन इसे मार भी नहीं सकता, और ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट कर देती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।